स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कामरान द एजुकेटर। आज की वीडियो में आप लोगों को जो है न्यू सिलेबस के जो लैंग्वेजेस होते हैं उनका जो है 2022 में ही सिलेबस चेंज हो गया है। जो भी लैंग्वेजेस होते हैं अब यहाँ पे वेबसाइट में आप लैंग्वेजेस का जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि रीडर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वेबसाइट पे हूँ, इंटर टेक्स्ट बुक बोल के ऑप्शन दिख रहा है, देखिए आपको लेफ्ट साइड में SSC स्टूडेंट सर्विसेज, इंटर स्टूडेंट सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको 2022 में जो है सिलेबस चेंज हुआ था लैंग्वेजेस का। तेलुगु लैंग्वेजेस का यहाँ पे रीडर PDF अवेलेबल है, उर्दू लैंग्वेज का PDF अवेलेबल है, अरबिक रीडर PDF अवेलेबल है, हिंदी रीडर PDF अवेलेबल है, इंग्लिश का सिलेबस 2022 से जो है न्यू सिलेबस का रीडर का PDF अवेलेबल है यहाँ पे सिर्फ इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, SSC स्टूडेंट्स का अभी तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ इंटरमीडिएट का सिलेबस चेंज हुआ है लैंग्वेजेस का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 से 2023 एकेडमिक ईयर वालों के लिए लैंग्वेजेस चेंज हुआ है। अब 2023 से 2024 के स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो भी होते हैं, जैसे कि CEC वालों के लिए कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स हो गया, और वैसे ही BPSC वालों के लिए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, MPSC वालों के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, उन सभी का ऑप्शनल सिलेबस भी चेंज होने वाला है 2023 से 2024 एकेडमिक बैच वालों के लिए। इसलिए आप लोगों को अभी तक जो है रीडर्स बोर्ड की तरफ से पब्लिश नहीं हुए, हो सकता है ये जो है नवंबर की लास्ट में या नहीं तो इलेक्शन के बाद जो है आप लोगों का न्यू सिलेबस के बुक्स जो है आप लोगों के पब्लिश कर सकते हैं TOS की बोर्ड की तरफ से। तो आप लोगों को वेट करना है, जो भी न्यू ईयर एडमिशन लिए है 2023 से 2024 का, उनका भी जो है अभी इंटरमीडिएट का बुक्स नहीं आए हैं। 10th के बुक्स ऑलरेडी आ गए हैं, लेकिन इंटरमीडिएट के बुक्स अभी तक न्यू सिलेबस के पब्लिश नहीं हुए हैं बोर्ड की तरफ से। तो ये जो है सिलेबस के जो बुक्स है वो न्यू सिलेबस के आप लोगों को नवंबर दिसंबर तक भी आ सकते हैं इलेक्शन के बाद भी। ठीक है, बोर्ड की तरफ से अभी तक रिलीज़ नहीं हुए हैं और आपको ये मार्केट में भी नहीं मिलेंगे जब तक गवर्नमेंट की तरफ से जो है स्कूल को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, दूसरों तक भी शेयर ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़।